नमस्ते, यहाँ पर इस वीडियो के दौरान लेटेस्ट जीकेएम एजीसी के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर हमने Redmi Note 11 डिवाइस के ऊपर जीकेएम एजीसी 8.4 वर्जन 9.8 का जो लेटेस्ट बिल्ड है इंस्टॉल किया है एंड इस अपडेट के साथ कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स को ऐड किया गया है। तो यहाँ पर इस जीकेएम के साथ कुछ इस तरह से यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर लाइका इफेक्ट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, पर कस्टम वाटरमार्क का जो ऑप्शन से यहाँ पर अवेलेबल है। इस ऑप्शन के साथ जो आप मल्टीपल लेंस में स्विच कर सकते हो, यहाँ पर अल्ट्रावाइड लेंस, यहाँ पर जो है मैक्रो लेंस में स्विच कर सकते हो, यहाँ पर मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन से यहाँ पर ऐड किया गया है। प्लस बाय डिफॉल्ट ग्रिड टाइप का जो ऑप्शन से यहाँ पर अवेलेबल है एंड गूगल कैमरा 8.4 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है, पर मोनेंट यूआई का जो सपोर्ट है अवेलेबल है एंड ये जो जीकेएम का जो बिल्ड है उसको एंड्रॉयड 10 से एंड्रॉयड 14 सभी एंड्रॉयड वर्जन के साथ काम कर जाएगा स्नैपड्रैगन एक्सिनोस मीडियाटेक डिवाइस के साथ। प्लस इस जीकेएम के साथ काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स को ऐड किया गया है। सबसे पहले इस अपडेट के साथ जो है पर वाटरमार्क के साथ जो है यहाँ पर बैकग्राउंड का जो कलर उसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। वाटरमार्क बैकग्राउंड का जो ऑप्शन है यहाँ पर अवेलेबल है। प्लस अगर आप चाहो तो वाटरमार्क के साथ ब्लैक जो बैकग्राउंड है उसे भी आप यूज कर सकते हो एंड यहाँ पर जो स्नैपड्रैगन 845 वाला जो डिवाइस है, स्नैपड्रैगन 855 वाला जो डिवाइस है, उस डिवाइस के साथ भी ये जो जीकेएम का जो बिल्ड काम कर जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर पोको F1 जिस भी डिवाइस के ऊपर आपको स्नैपड्रैगन 845 स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, वो सभी डिवाइस के साथ जो है ये जो जीकेएम का जो एजीसी 8.4 का जो बिल्ड काम कर जाएगा। एंड यहाँ पर सैमसंग डिवाइस के साथ भी नाइट साइड मोड जो है उसे भी फिक्स किया गया है। सैमसंग डिवाइस के साथ भी नाइट साइड मोड जो है यहाँ पर काम कर जाएगा एंड यहाँ पर Xiaomi 13 Pro डिवाइस के लिए इस जीकेएम को जो है ऑप्टिमाइज किया गया है। यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा Xiaomi 13 Pro डिवाइस के साथ एंड यहाँ पर जो हेक्सागन डीएसपी का जो ऑप्शन से उसे डिसेबल करने का ऑप्शन है। प्लस यहाँ पर जो ओल्डर पिक्सल डिवाइस है उसका जो सपोर्ट है ऐड किया गया है। आप जो है पुराना पिक्सल डिवाइस को इस जीकेएम को इंस्टॉल कर सकते हो। ऑटो वाइट बैलेंस का जो ऑप्शन है यहाँ पर ऐड किया गया है। ऑटो वाइट बैलेंस के साथ जो है यहाँ पर एक्यूरेट कलर देखने को मिलता है, नेचुरल कलर देखने को मिल जाएगा। प्लस यहाँ पर इस जीकेएम के साथ जो है बाय डिफॉल्ट मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन से एनेबल हो जाएगा, जो ऑक्सिलरी बटन से बाय डिफॉल्ट एनेबल हो जाएगा, आपको अलग से सेटिंग्स में जाके एनेबल नहीं करना होगा। एंड कुछ कुछ डिवाइस के ऊपर जो ब्लैक स्किन का जो प्रॉब्लम है देखने को मिल रहा था उसे भी फिक्स किया गया है। अभी इस अपडेट के साथ जो है ब्लैक स्किन का जो प्रॉब्लम है देखने को नहीं मिलेगा। प्लस नॉइस मॉडल का जो ऑप्शन है यहाँ पर अवेलेबल है। सेटिंग्स मेनू की अगर बात करें कुछ इस तरह से सेटिंग्स मेनू देखने को मिलेगा। यहाँ पर डिवाइस इंटरफेस का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, यहाँ से आप जो अलग अलग पिक्सल डिवाइस का जो यूजर इंटरफेस है, जो फीचर्स है कैमरा फीचर्स उसे आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने पिक्सल 7 प्रो सिलेक्ट किया है एंड उसी तरह से आप जो है यहाँ पर पिक्सल 8 Pro भी सिलेक्ट कर सकते हो। पिक्सल 8 Pro सिलेक्ट करने के बाद गूगल कैमरा को रीस्टार्ट करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर पिक्सल 8 Pro का जो फीचर्स है देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अलग अलग जो है डिवाइस सेटिंग्स का ऑप्शन है, पर लेंस सेटिंग्स को ऐड किया गया है। बेसिकली लेंस सेटिंग्स के साथ जो है हर एक कैमरा लेंस के लिए अलग अलग फीचर्स को जो है एनेबल कर पाओगे। बेसिकली मल्टीपल लेंस के साथ जो ऑप्शन काम करते हैं, यहाँ पर मेन लेंस के लिए डिफरेंट सेटिंग्स, अल्ट्रावाइड लेंस के लिए डिफरेंट सेटिंग्स एंड फ्रंट कैमरा के लिए डिफरेंट सेटिंग्स को आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। प्लस यहाँ पर मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन है उसका जो यूआई है उसे आप जो है चेंज कर सकते हो। अगर आप चाहो तो राइट साइड में यहाँ पर दिखा सकते हो एंड यहाँ पर आपके डिवाइस पर जो भी कैमरा लेंस रहेगा उसको भी आप जो है कस्टमाइज कर सकते हो एंड यहाँ पर HDR मोड के ऊपर फ्रेम को भी सिलेक्ट कर पाओगे। तो यहाँ पर नाइट साइड मोड के ऊपर एस्ट्रो फोटोग्राफी फ्रेम के साथ प्लस यहाँ पर ZSL फ्रेम के ऊपर कितना फ्रेम रहेगा आप सिलेक्ट कर पाओगे एंड यहाँ पर कलर सेटिंग्स का ऑप्शन है, ऑटो वाइड बैलेंस, नॉइस मॉडल, अपस्लिंग इमेज का जो ऑप्शन है पर ऐड किया गया है, पर व्यू फाइंडर फॉर्मेट का जो ऑप्शन है पर अवेलेबल है, मैनुअल फोकस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, ढेर सारी ऑप्शन है एंड यहाँ पर जो कस्टम वाटरमार्क का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, इस ऑप्शन के साथ आप जो कस्टम वाटरमार्क को सिलेक्ट कर सकते हो एंड यहाँ पर ऑटो वाइड बैलेंस नॉइस मॉडल को सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। प्लस इस तरह से इसे भी जो ऑप्शन से पर ऐड किया गया है एडवांस ऑप्शन के साथ, HDR कंट्रोल, रॉ फोटोज का ऑप्शन है, HEVC फॉर्मेट में वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे, HDR नेट का ऑप्शन है, 48 मेगापिक्सल ऑटो नाइट साइड मोड, डिले आफ्टर फोकस का जो ऑप्शन से यहाँ पर काम कर जाएगा
एंड यहाँ पर ब्राइट लाइट फिक्स का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, OIS का जो सपोर्ट है काम कर जाएगा, वीडियो स्टेबलेशन का जो ऑप्शन से काम करता है गूगल कैमरा AGC के साथ, यहाँ पर टाइमर लाइट एनेबल एस्ट्रो फोटोग्राफी फॉर, यहाँ पर एनेबल टाइम लैप्स फॉर एस्ट्रो फोटोग्राफी, GPG क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हो, पोर्ट्रेट मोड के ऊपर जो जूम होता है उसे भी आप डिसेबल कर पाओगे, प्लस DCI-P3 कलर का जो ऑप्शन यहाँ पर ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर इस गूगल कैमरा के साथ जो है डेवलपर सेटिंग्स का जो ऑप्शन है अवेलेबल है, डेवलपर सेटिंग्स के साथ आप जो है नया नया फीचर्स को एनेबल कर पाओगे जो कि बाय डिफॉल्ट एनेबल नहीं रहता है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, आप सिंपली GCam का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर चेकआउट करके देख सकते हो। यहाँ पर ऑडियो जूम का ऑप्शन है, बेसिकली इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद वीडियो को रिकॉर्ड करने के दौरान अगर आप जूम करोगे तो बैकग्राउंड में जो नॉइस रहेगा रिड्यूस हो जाएगा। वीडियो स्टेबलेशन का ऑप्शन है, EIS OIS को सिलेक्ट यहाँ पर यूज कर पाओगे GCam के साथ। एंड 4K टाइम लैप्स का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, डेफिनेटली आपके डिवाइस के ऊपर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का जो है सपोर्ट होना चाहिए, प्लस वीडियो के ऊपर जो बिट रेट है उसे भी जो है इंक्रीज करने का ऑप्शन। अगर आप वीडियो के ऊपर बिट रेट को इंक्रीज करते हो तो यहाँ पर जो है वीडियो के साथ काफी बढ़िया क्वालिटी देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर सेफ सेल्फीज एज प्रीव्यू का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, मिरर फोटोज का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, फोकस स्लाइडर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, पर ISO स्लाइडर का ऑप्शन है, व्हाइट बैलेंस को सिलेक्ट कर सकते हो, बेसिकली यहाँ पर जो है मैनुअल फोकस कलर टेम्परेचर को एडजस्ट करने का जो ऑप्शन है पर अवेलेबल है, ग्रिड टाइप का ऑप्शन है, फ्रेमिंग हिंट्स का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर इस GCam के साथ जो है एपर्चर बटन को भी ऐड किया गया है, कुछ इस तरह से जो है एपर्चर बटन देखने को मिलता है सैमसंग डिवाइस के साथ भी, ये जो GCam में काम करेगा, प्लस यहाँ पर वन प्लस ओप्पो वीवो रेडमी पोको शाओमी एंड यहाँ पर रियलमी प्लस Nothing Phone 1 Nothing Phone 2 iQOO यहाँ पर iQOO डिवाइस के साथ भी ये जो GCam का जो बिल्ड है काम करेगा। एंड अगर बात करें पर फीचर्स के बारे में तो यहाँ पर ऑटो वाइड बैलेंस HDR मोड का ऑप्शन है, HDR एनहांस मोड काम कर जाएगा, प्लस यहाँ पर फ्लैश के साथ जो ऑटो फ्लैश का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, इस ऑप्शन के साथ जो आप XML फाइल को भी इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के साथ जो है यहाँ पर ऑटो वाइड बैलेंस फेस रिटचिंग HDR एनहांस मोड का जो ऑप्शन है पर ऐड किया गया है, प्लस यहाँ पर जो नाइट साइड मोड है उसके साथ जो है ऑटो वाइड बैलेंस एस्ट्रो फोटोग्राफी का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, यहाँ पर एस्ट्रो फोटोग्राफी के साथ जो ऑलवेज ऑन का ऑप्शन है, प्लस फोकस के ऊपर ऑटो नियर फार इन्फिनिटी तरह से पर मैनुअल फोकस का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है इसे भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, स्लो मोशन टाइम लैप्स काम कर जाएगा, फोटो एस्पर मोड को ऐड किया गया है। अगर आप चाहो तो गूगल कैमरा से 360 फोटो को क्लिक कर सकते हो, यहाँ पर वर्टिकल अल्ट्रा वाइड एंड हॉरिजॉन्टल के साथ साथ जो है पर 360 फोटो क्लिक कर सकते हो, तो यहाँ पर फोटो एस्पर मोड भी काफी इंटरेस्टिंग है, प्लस पैनोरामा का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, पर वर्टिकल फोटो क्लिक करने के लिए ये जो ऑप्शन से अवेलेबल है, प्लस यहाँ पर ऑडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन से यहाँ पर काम कर जाएगा। एंड यहाँ पर फ्रंट कैमरा के साथ जो इस तरह से सभी जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, पर ऑटो वाइड बैलेंस फ्लैश को एनेबल कर सकते हो, फ्रंट कैमरे के साथ भी फेस रिटचिंग HDR मोड का जो ऑप्शन से काम करेगा, प्लस यहाँ पर जो पोर्ट्रेट मोड है पोर्ट्रेट मोड के साथ भी ऑटो वाइड बैलेंस फ्लैश HDR मोड का जो ऑप्शन से पोर्ट्रेट मोड के साथ भी काम कर जाएगा। हमने यहाँ पर कुछ फोटोज को क्लिक किया है इस GCam के साथ, तो यहाँ पर इस गूगल कैमरा के साथ जो कुछ इस तरह से फोटो क्वालिटी देखने को मिलता है, देख सकते हो काफी बढ़िया आप जो है पर सोशल मीडिया रेडी फोटोज को क्लिक कर सकते हो, पर काफी बढ़िया जो है वाइब्रेंट कलर देखने को मिल जाएगा ऑलमोस्ट सभी फोटोज के साथ। फोटोज के ऊपर जो डिटेल्स है काफी बढ़िया है, पर HDR मोड HDR एनहांस मोड काम कर जाएगा, ऑटो वाइड बैलेंस को ऐड किया गया है, ऑटो वाइड बैलेंस के साथ जो है पर एक्यूरेट कलर देखने को मिलता है, प्लस पर शेडो हाईलाइट एंड यहाँ पर कलर के साथ भी पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा, प्लस यहाँ पर ब्राइट लाइट फिक्स का जो ऑप्शन है पर ऐड किया गया है, पर जो है लाइट बैलेंस जो है GCam के साथ जो काफी बढ़िया है, पर एक्यूरेट कलर देखने को मिलता है। सोशल मीडिया रेडी फोटोज को क्लिक कर सकते हो, प्लस फोटोज के ऊपर जो नॉइस है उसे भी रिड्यूस किया गया है, काफी कम नॉइस देखने को मिल जाएगा, प्लस इस GCam को जो यहाँ पर ऑप्टिमाइज किया गया है, काफी फास्ट जो है फोटो क्लिक कर सकते हो, पर शटर स्पीड काफी बढ़िया है, बहुत ही फास्ट आप एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन के ऊपर स्विच कर पाओगे। यहाँ पर जो डायनेमिक रेंज है इस GCam के साथ वो भी काफी बढ़िया देखने को मिलता है, प्लस यहाँ पर अल्ट्रा वाइड लेंस के साथ जो है HDR मोड की यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पर ये जो गूगल कैमरा का जो बिल्ड है इसे आप एज ए डेली ड्राइवर की तरह भी यूज कर सकते हो, ऑलमोस्ट सभी जो ऑप्शन यहाँ पर काम कर जाएगा, सभी जो फीचर्स यहाँ पर काम कर जाएगा, एंड बेटर कलर विद बेटर
डिटेल्स देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पर इस जीकेएम के साथ जो है कोई भी ग्रीन टिन का जो इशू है हमने यहाँ पर फेस नहीं किया है। तो आप डेफिनेटली इस जीकेएम को ट्राई करके देखो आपके डिवाइस के ऊपर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस जीकेएम का जो है डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। एंड गूगल कैमरा का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके लेटेस्ट जीकेएम 8.9 का जो रिव्यू वीडियो है उसे भी आप जो है चेकआउट करके देख सकते हो। बाकी आपको फोटो सैंपल कैसा लगा आप जरूर से कमेंट करके बताना। हमने अब इस जीकेएम के साथ जो ढेर सारी फोटोज को क्लिक किया है।